एक बहुत ही बड़ा तूफान आया है दीव में, साइक्लोन ताऊ पे। हवा का फोर्स इतना था कि हम दरवाजा बाहर खोल ही नहीं पा रहे थे। घर के बाहर जो डॉग्स रहते हैं ना, वो लोग पूरे भीग के रो रहे थे। और जब हमने सबको डाइनिंग रूम में, हॉल में, स्टडी रूम में, केजेस में बंद किया था। यह 23 साल की जिग्ना जो भारत के एक टापू दीव में रेनबो एनिमल एड चलाती है, जहां वो जानवरों का रेस्क्यू, उनकी ट्रीटमेंट और उनकी अडॉप्शन करवाती है, साथ ही स्पे और न्यूटर कैंप्स भी चलाती है। मैं जब बड़ोदरा जो एक शहर है वहां से अपनी पढ़ाई खत्म करके दीव वापस आई, तो मेरे साथ 4 अडॉप्ट रेस्क्यू की हुई मेरी खुद की बिल्लियां थी। तो यहाँ आकर फिर पता चला समय के साथ कि उनको मेडिकल अटेंशन के लिए भी इधर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वैक्सीन के लिए भी और ब्लड टेस्ट के लिए भी हमको नजदीक से नजदीक 4 घंटा जूनागढ़ ट्रैवल करके जाना पड़ता था। इसी मकसद से हमने रेनबो एनिमल स्टार्ट किया दीव में। जिग्ना अपने एरिया की एक लौती एनिमल रेस्क्यूअर है, जो अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से इस काम को अंजाम देती है। लेकिन हर रेस्क्यूअर की तरह इस काम को करते हुए जिग्ना के हिस्से में भी कई परेशानियां हैं। मेडिकल अटेंशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वेट नहीं है और नजदीक में भी कोई एक्सपीरियंस वेट नहीं है जो सर्जरी परफॉर्म कर सके। यहाँ के टापू के जो देसी एनिमल्स है उनका अडॉप्शन करवाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आज मेरे स्टडी रूम में 26 से ज्यादा बिल्लियां है और मेरे पार्किंग में और जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ पे 10-12 डॉग्स है और ये सारी अपने अपने घरों के लिए वेट कर रही है। मैन पावर हमारे पास नहीं है, ज्यादा लोग अगर आगे आएंगे तो हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी। अकेले फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक लिमिट से ज्यादा करना मुश्किल हो जाता है बिना किसी फैसिलिटीज के। बेजुबानों को बचाने के जिग्ना के इस प्रयास में आप भी उनकी किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं और जिग्ना की कहानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।